निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने हिंदू आबादी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि हिंदू अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो भारत में कई पाकिस्तान बनने का खतरा है। प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने ये बयान 20 सितंबर को उज्जैन में भगवत कथा के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो संख्या बल जरूरी है। हम अगर संख्या बल में कम रहे तो अभी तक 240 हैं, फिर 40 रह जाएंगे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो 2 करोड़ थे, अब 38 करोड़ हो गए हैं। लोकतंत्र में उसी का राज्य जिसके हाथ में वोट, यही हाल रहा तो भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। हम संख्या के बल पर कमजोर हो गए हैं, आज हम संख्या के बल पर कमजोर हो गए हैं और ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में उसी का राज्य होता है जिसके हाथ में वोट होते हैं। यहाँ वोट से ही सरकार चुनी जाती है। धिक्कारता हूं मैं इस व्यासपीठ से हिंदुओं को और मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इसी तरह रहे तो इस भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। भगवान तब तक सुरक्षित है जब तक ये राष्ट्र सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि धिक्कारता हूं मैं हिंदुओं को और चेतावनी देता हूं कि अगर ऐसे ही रहा तो भारत में कई पाकिस्तान बन जाएंगे। अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए मेरी इस देश की माताओं से अपील है कि कम से कम 4-4 संतान पैदा करें। बता दें कि इससे पहले भी कई संत हिंदुओं की जनसंख्या को लेकर बयान दे चुके हैं। बीते दिनों मशहूर शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि बेटियां लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ें। प्रदीप मिश्रा ने लड़कियों को परिवार के सुझाए गए रिश्ते पर ध्यान देने और अरेंज मैरिज करने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सनातनी लोगों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब चाहे प्रदीप मिश्रा की बात हो या फिर बात हो प्रेमानंद पुरी महाराज की, दोनों ही हिंदुओं को कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करें। अब 4-4 बच्चे पैदा तो कर लेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत दोनों ने ही नहीं की है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है और ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार लोग इन वीडियोस के वायरल होने पर पूछ रहे हैं कि बार बार ये पाकिस्तान की बात कर इनका आखिर क्या पर्पस है, आखिर ये पाकिस्तान की बात बार बार यहाँ क्यों कर रहे हैं, और अगर हमारी आबादी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है उसके बावजूद हम और बच्चे पैदा करते रहेंगे तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे कि हम उन बच्चों को बड़ा करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ करें, तो उसके लिए रिसोर्सेस का क्या ये बाबा लोग देंगे इन लोगों को ये 4-4 बच्चे पैदा करने के बाद हर तरीके की सुविधाएं? ये कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर लोग लगातार इन बाबाओं से पूछ रहे हैं। इस पूरे बयानबाजी पर और इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।